हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिरिचा। आज का जो मेरा वीडियो है वो है तो आप सभी के लिए, बट स्पेशली हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी स्किन डस्की टोन लिए हुए है, या फिर कह सकते हैं कि सांवली स्किन है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर डस्की स्किन वाले बीबी क्रीम यूज करते हैं तो वो फेस के ऊपर थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट देती है, या फिर आपका सफेद सफेद सा चेहरा कुछ चमकने सा लगता है। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैम, जब भी मैं अपने फेस पर बीबी क्रीम अप्लाई करती हूँ और सांवली स्किन है तो वो मेरा चेहरा वाइट वाइट सा दिखाती है। तो इसी के लिए मैं आज ये प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ रिव्यू करने के लिए। तो मैंने ऑर्डर करी थी नाइका से ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और इसका जो शेड है वो है 02 मीडियम। ये जो बीबी क्रीम है इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरीके की आती है। मैंने सबसे छोटा वाला पैक मंगाया है 9 ग्राम्स का, और जो इसकी इसका जो प्राइस है वो है 82 रुपीज का, बट ये मुझे नाइका से कुछ डिस्काउंट में मिल गई थी। इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी 2019 से 2022 तक, यानी कि 3 साल की। और इसके अंदर आपको मैं अभी यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं। इसके अंदर आपको 2 शेड्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर लिखा दिख रहा है 01 ओरिजिनल एंड 02 मीडियम। तो 01 जो है ओरिजिनल, ये आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए इसको परचेज कर सकते हो, और 02 मीडियम जो है वो आप नॉर्मल टू डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिल जाएगा SPF 30, तो आपको सनस्क्रीन की भी जरूरत नहीं है वैसे तो इसको लगाने के बाद। और इसके अंदर जो मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि द फर्स्ट ऑल इन वन बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम SPF 30 फ्रॉम पॉन्ड्स, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, डुअल बेनिफिट्स हैं, इसमें इन्होंने बता रखा है कि फेयरनेस क्रीम प्लस लाइट वेट फाउंडेशन है, इवन स्किन टोन विद SPF 30 फॉर सन प्रोटेक्शन, नो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, लाइट नॉन ऑयली टेक्स्चर। तो इसके टेक्स्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इसका टेक्स्चर है वो मुझे लगता है कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कई बार बीबी क्रीम जो होती है वो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको आप आराम से ड्राई स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए शायद समर्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी मैंने इसको विंटर्स में ही यूज करना स्टार्ट किया है, अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई भी नहीं किया। मैं आपको अभी इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो अभी मैंने सिर्फ एक मॉइस्चराइजर अप्लाई किया अपने फेस पर, और बेयर फेस है, सिर्फ मैंने लिपस्टिक एंड काजल यूज किया अभी। तो इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्किन टोन है ये इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सेम शेड आता है, या फिर आप कह लो कि एक शेड डार्क आता है। तो अगर डस्की स्किन टोन वाले इसको यूज करते हैं तो उनका फेस बिल्कुल भी वाइट वाइट सा नहीं दिखाई देगा। ये रही इसकी आउटर पैकेजिंग, और ये रही इसकी इनर पैकेजिंग। इस तरीके से इसका ट्यूब आता है, बहुत छोटा सा है, तो अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो अपने बैग वगैरह में तो भी आराम से कर सकते हो। और चलिए फटाफट पहले मैं इसको आपको डेमो दे देती हूँ। तो हाथ में मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इसका शेड आता है। तो आप ऐसे देखोगे तो इसमें वैसे ही जैसे मेरी स्किन का शेड आ रहा है इसी तरीके से इसका भी शेड आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा व्हाइटिश नहीं आ रहा है। तो मैं हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो इस तरीके का हल्का सा येलो टोन लेते हुए इसका शेड है। तो आराम से आप समझ सकते हो कि ये डस्की स्किन वालों पर बिल्कुल भी व्हाइट नहीं करेगा स्किन को, और कितनी अच्छी तरीके से मेरे स्किन टोन के साथ ये मर्ज हो जाता है, आप देख सकते हो। तो इस बीबी क्रीम को रिव्यू करने से पहले मैंने इसको 2 से 3 बार यूज किया है। फर्स्ट टाइम तो मैंने ऐसा नहीं अंदाजा लगाया, बट सेकेंड एंड थर्ड टाइम मुझे ऐसा लगा कि इसको यूज करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक पिंपल जरूर हो जाता है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे एक डाउनसाइड लगा कि शायद ये पिंपल क्रिएट करता है। अब मैं बिल्कुल पक्का नहीं कह सकती हूँ 100% कि इसी वजह से हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इसको यूज करती हूँ तो मुझे एक पिंपल निकल आता है नेक्स्ट डे, तो शायद ये उस वजह से भी हो सकता है। तो चलिए मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ और क्या लुक आता है आपको क्लियर हो जाएगा। With your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine.
बीबी क्रीम मैंने अप्लाई कर ली है और अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी सेटिंग नहीं करी है लगाकर, और सीधे बीबी क्रीम को अगर हम इस तरीके से टच करके देखते हैं तो इसमें कहीं पर एक जगह ऐसा लिखा था नॉन ऑयली फील, बट इसको टच करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसको कुछ कुछ ऑयल फील हो रहा है मुझे इसको लगाने के बाद। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगी, बट ऑयली स्किन वालों को मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि सूट शायद नहीं करे, क्योंकि ये पिंपल क्रिएट कर सकती है क्योंकि इसके अंदर ऑयल फील होता है। थोड़ी देर लगाने के बाद हो सकता है ये एब्जॉर्ब कर ले स्किन के अंदर जो ऑयलीनेस है, बट अगर आप तुरंत इसको देखोगे तो आपको फेस पर भी हल्का सा कहीं ना कहीं एक चिकनाई सा दिखाई देगा। कि कवरेज की हम बात कर सकते हैं तो कवरेज इसका लाइट आता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कवरेज दे देगी। वैसे भी बीबी क्रीम्स ऐसे हैवी मेकअप के लिए नहीं होती है, इसको थोड़ा सा बिल्डअप किया जा सकता है, बट इतना ज्यादा कवरेज ये नहीं देगी। अगर आपके स्पॉट्स ज्यादा कहीं है अपने फेस पर तो आपको कंसीलर यूज करना पड़ेगा, या फिर आप नॉर्मली डेली के लाइट मेकअप के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो फिर ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए जैसे मैंने बोला कि मुझे पिंपल्स हो जाते हैं इसको लगाने के बाद, मैं ऐसा फील करती हूं, तो शायद जिनको ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ा भी सकता है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से इसको लेना है या नहीं लेना है वो आप चूज करिए। मैंने आपको बता दिया है कि इसके साथ क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या प्रॉब्लम मुझे फील हुई है। जो भी मैं रिव्यू करती हूं मैं अपने हिसाब से बेस्ट करती हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।